ये कांग्रेस की नई टीम है, पहले से ज्यादा बड़ी और पहले से बेहतर संसाधनों से लैस। इस टीम में पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता भी हैं, तो अधिकांश सदस्य नए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पहल पर तैयार प्रवक्ताओं की इस टीम के करीब 200 सदस्यों को दिल्ली में एक विशेष वर्कशॉप में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वर्कशॉप के दौरान राहुल ने नई टीम से कहा कि वो देश में सकारात्मक राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से एक स्वर में बोलने और एकजुट रहने को कहा, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये सोचना चाहिए कि पार्टी की छवि कैसे और बेहतर हो, क्योंकि पार्टी की छवि से ही खुद की छवि बनाई जा सकती है। राहुल गांधी ने पार्टी की शोध टीम को और मजबूत करने की बात कही, तो उन्होंने प्रवक्ताओं को जनता के सामने सच्चाई रखने के लिए कहा। उनका सारा स्पीच का सार गर्व था कि सच्चाई के रास्ते पर अपनी बात रखें। कांग्रेस की जो नई टीम है, जो नए लोग हैं, वो एक नई दिशा लेंगे। पूरी कांग्रेस का आपको एक डायरेक्शन साल दो साल बाद चेंज मिलेगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। युवाओं में पैठ बढ़ाने के मकसद से वर्कशॉप में तमाम प्रवक्ताओं को ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए कहा गया। पार्टी के प्रवक्ता सीधे एक दूसरे से जुड़ सकें और तुरंत जानकारियां साझा कर सकें, इसके लिए खिड़की नामक एक विशेष प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। खिड़की जो प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम जितने स्पोक्स पर्सन हैं, जितने पैनलिस्ट हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और फर्दर जो हमारी पार्टी की बॉडी है, उन बॉडी के मेंबर हैं, उनको उसमें जोड़ा जा सकता है और एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर भी की जा सकती है और एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन ली भी जा सकती है। वर्कशॉप में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात के अलावा यूपीए सरकार के पिछले 9 वर्ष की उपलब्धियों और एनडीए सरकार के मुकाबले यूपीए के प्रदर्शन के बारे में प्रवक्ताओं को जानकारी दी। केवी थॉमस और जयराम रमेश ने खाद्य सुरक्षा कानून की बारीकियों के बारे में प्रवक्ताओं को बताया। मंगलवार को पार्टी के दूसरे आला नेता इस नई टीम को मीडिया के कुछ और मंत्रों से रूबरू कराएंगे। पार्टी में नई जान फूंकने के मकसद से राहुल गांधी की पहल पर तैयार इस टीम की जिम्मेदारी न सिर्फ राज्यों में पार्टी के नए मीडिया तंत्र को स्थापित करने की होगी, बल्कि उससे चमकाने और मारने की भी होगी। और इसके लिए बकायदा उन्हें सूचना और तकनीक के तमाम संसाधनों से लैस भी किया जा रहा है। सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, दिल्ली।